सो नीट 2022 का बायो का पेपर मुश्किल आया, पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट 30 नंबर का फर्क एक्सपेक्टेड है नीट 2022 बायो पेपर की वजह से। और इस वजह से डॉक्टर शर्मा का जो मास्टर क्लास इन बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक है, अब सर ने ये डिसाइड किया है कि ना सिर्फ वो क्वेश्चन बैंक होगा, सर आपको डेली कुछ ना कुछ बायो प्रैक्टिस कराएंगे। सर कैसे कराएंगे? मेरा मकसद ये है कि ये जो चेंज आया है पैटर्न में, आगे जो एक्सपेक्टेड है ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड बायोलॉजी आ रही है। सो जिस तरह से पहले पिछले सालों में बायोलॉजी बिल्कुल इन्फॉर्मेशन बेस्ड थी, छोटी छोटी चीज़ें आपने एनसीईआरटी से सीधी याद करी और उनको जाकर के एक तरह से रिप्रोड्यूस कर दिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, उस तरह का क्वेश्चन नहीं था। आपको कोरिलेट भी करना था, आपको चीज़ों को एक दूसरे से लिंक भी करना था, आपको बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, एसर्शन रीज़न था, अब आपको सब्जेक्ट समझना था। क्योंकि इस तरह से बच्चा अमूमन पढ़ता नहीं है, बायोलॉजी के बारे में उसके अपने कुछ विचार हैं कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, उस तरह से अब काम नहीं चलने वाला। सो उनको मदद करने के लिए, इस टाइम पर उनका हैंड होल्ड करने के लिए कि ये जो चेंज आ रहा है, इस चेंज में उनका साथ कैसे हो, इस चेंज में उनको परेशानी ना आए, क्योंकि चेंज काफी परेशानी भरा हो सकता है, मेरा मकसद यह है कि मैं रोज कुछ ना कुछ कंटेंट जरूर अपने चैनल पर डालता रहूं, ताकि बच्चों को ये जो नया तरीका है, ये जो नया जो सिस्टम है पेपर का, इसमें ज्यादा परेशानी ना आए। इसीलिए बहुत सारा कंटेंट डेली हम अपलोड करेंगे अपने चैनल के ऊपर। तो सर का एक नया चैनल होगा जिसका नाम होगा मास्टर क्लास इन बायोलॉजी। ऑब्वियसली आप लोग मास्टर क्लास इन बायोलॉजी के बारे में जानते हैं, एक क्वेश्चन बैंक शर्मा सर का ओरिजिनली क्रिएट किया हुआ जिसके साथ ऑडियो एक्सप्लेनेशन है, पर उसको ज्यादा इंटरेस्टिंग, ज्यादा इंफॉर्मेटिव और सारी चीजें कवर करते हुए। सो फॉर एग्जाम्पल सर, एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें जहां पे वो लाइन बोलते हैं एक्सप्लेन नहीं करते, तो ये आप यहाँ पे समझा देंगे? हाँ, तो मतलब थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि ये 25 साल का मेरा जो एक एक्सपीरियंस है कि जहाँ बच्चा स्ट्रगल करता है, कुछ चीज़ें गलत तरीके से समझ जाता है, एनसीईआरटी में कुछ इस तरह की एम्बिग्विटी है जहां पर उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके गलती की जा सकती है एग्जाम में, ये जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो कि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, जो मुझे पता है बच्चे प्रॉब्लम फेस करते आगे आने वाले ये नए सिस्टम में, जो नए तरह के पेपर में इस तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन सबको चुन करके थ्योरी हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हो गए मास्टर क्लास से जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी हैं, इन सब के बारे में बहुत सारा कंटेंट जो है आपकी सहूलियत के लिए डाला जाएगा। तो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करिए चैनल, चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और बायोलॉजी पढ़ते हैं अभी 9 महीने नीट एग्जाम तक अगले, और उसके बाद आप लोगों को तो जिंदगी भर ही पढ़नी है बायोलॉजी।